तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग। और वीवीए माइक्रो में हम फॉर्म पे ही काम कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर एक सीट से दूसरे सीट में डेटा हम कैसे भेज सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस लगा सकते हैं, इसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक फॉर्म है और ये हमारे पास डेटा है। इसकी एग्जांपल मैंने इससे पहले भी बताए थे, लेकिन उसमें थोड़ा सा अधूरा एग्जांपल था, आज थोड़ा सा उसमें कुछ नई चीज हम ऐड कर रहे हैं। जैसे कि आईडी, एक ऑटोमेटेड आईडी इसमें क्रिएट होना चाहिए। उसके बाद डेट, किस डेट को किस टाइम पे हुआ वो ऑटोमेटिक आना चाहिए। उसके बाद नेम, सिटी और अमाउंट ऐड होना चाहिए डेटा, और एक के नीचे एक होना चाहिए। तो चलिए डेवलपर में हम विजुअलिस्टिक पे जाते हैं। यहां इंसर्ट मॉड्यूल्स, सब्जेक्ट सेंड ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले आईडी जनरेट करनी है। तो यहां हम करते हैं आईडी इक्वल टू, या फिर आईडी डिफाइन कर लीजिए कि डिम आईडी एज ए लॉग आईडी। अब आईडी कैसे जनरेट होगा, मतलब एक आईडी ऑटोमेटिक चाहिए 1 2 3 4 5 ऐसे। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मैक्स का। मैक्स फॉर्मूला क्या होता है कि सेल का मैक्सिमम नंबर निकालता है। अगर मैं मैक्सिमम नंबर में 1 ऐड कर दूं तो हमेशा मुझे एक नई आईडी मिलेगी, जैसे 1 2 3 4 एंड 5। तो सेम चीज हम वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में करेंगे कि इसका मैक्स निकाल लेंगे। तो आईडी इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैक्स। तो मैक्स, और मैक्स में हम रेंज देंगे, रेंज एक के साथ कंप्लीट एक और, लेकिन रेंज सिर्फ नहीं होगा, इसके साथ हम देना होगा हमें शीट का नाम भी, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट शीट पे काम हो रहा है, तो यहां शीट नेम देना कंपल्सरी। तो हमेशा जो ऑलरेडी एंटर्ड नंबर से आईडी है उसकी मैक्सिमम सबसे लास्ट वाली आईडी आपको आईडी पे स्टोर कर देगा। अब मैं यहां करता हूं रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सलेस आप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू आईडी प्लस 1। लेकिन एक इसमें होगा, सीट में होगा, दूसरे सीट में होगा, डेटा शीट में। तो हमने क्या बोला, एक कोड हमने बोला कि डेटा शीट में जाओ, ए 65,000 पे जाओ और यहां से ऊपर आओ कंट्रोल एंड अप एरो के साथ, सबसे लास्ट वाले में आएगा और ऑफसेट को हमने बोला हुआ है 1,0, 1 रो 0 कॉलम यहां पे आएगा जो आईडी होगा। तो फिलहाल क्या होगा, 0 होगा, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। अब मैं इसी को कॉपी करके यहां पेस्ट करता हूं। इस बार मैं बोलता हूं कि भाई 0 1 कॉलम चेंज करना है, और यहां पे हमने बोल दिया डेट, क्योंकि सिस्टम डेट लेना है ना, इसलिए हमने दिया डेट। डेट में क्या हुआ कि ये क्या करेगा, नीचे 65,000 से ऊपर की तरफ आएगा। अब ऑफसेट में हमने दिया हुआ है 0,1, रो चेंज नहीं करना है, कॉलम चेंज करना, यहां पे दे देगा हमारा डेट। उसके बाद हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पे टाइम चाहिए, तो यहाँ देते हैं फॉर्मेट और इसमें नाउ कॉमा एच एच कॉमा एम एम कॉमा एस एस टाइम फॉर्मेट में।
और यहां हो जाएगा टू। अब क्या करेगा कि 65,000 से ऊपर जाएगा और 0,2 तो सेम रो एंड टू कॉलम 1, 2 0, 1, 2 यहां आया और यहां इसने टाइम पूरा दिया। उसके बाद यहां हमने 2 के जगह पे 3 कर दिया और यहां हमने बोल दिया रेंज बटन पे क्लिक करें और बटन पे क्लिक करने के लिए फॉर्म तो एक्टिवेट ही होगा, तो यहाँ पे सीट का रेफरेंस डालना जरूरी नहीं है, बट आप यहाँ डाल भी सकते हो, डालने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाद मैं इसी को कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ, यहाँ 3 के जगह यहाँ पे 4 हो जाएगा और B3 के जगह पे B7। फिर वापस मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ करते हैं 5 और यहाँ हो जाएगा B। अब एक बार मैं यहाँ डेवलपर टैब में आता हूँ, एड बटन लेता हूँ, इसे एक्टिवेट ही लेता हूँ और सेंड को हमने कर दिया और इस पे हमने क्या कर दिया बटन सेंड। उसके बाद मैसेज आना चाहिए कि हम डेटा सेव हो गया, MSG बॉक्स डेटा सेव। और जो डेटा क्लियर भी होना चाहिए तो हमें देना है रेंज B3, B7, B10। मर्ज नहीं होना चाहिए, अगर मर्ज है तो फिर आपको 1 by 1 करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर कंटेंट्स डिलीट कर दे। तो यहाँ पे कोई नाम डालता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ पूजा, यहाँ पे डालता हूँ उदय, अमाउंट और हमने सेंड पे क्लिक किया, डेटा है सेंड और क्लियर हो गया और ये डेटा यहां देखिए आ गया। तो हर बार नई एंट्री और डेट टाइम के साथ एक करें। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? गैरी जी एंड ईसा जी, कोई डाउट इसमें? नो सर। गैरी जी मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं सर, अभी आवाज आ रही है? अब आ रही है। सॉरी, वो माइक्रोफोन में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। समझ में आ गई सर आपको ये? हाँ जी सर। अब इसमें हमें एक दो तीन चीज करनी है। पहले चीज सॉरी सर, एक अपना एक क्वेश्चन पूछूं यहाँ पे आपको? पूछिए। जो आपने अभी ये कोड 6 लाइन का है, पर एक ऑप्शन होती है, एक कोड था यूज जो कल आपने बताया था, वो फर्स्ट 3 लाइन पे नहीं चलेगा? क्या बोले समझ नहीं? तो कल हम बोल रहे थे ना कि अभी हमें लाइन बाय लाइन कोड लिखना पड़ रहा है। बिथ कमांड की बात कर रहे हो ना? देखिए बिथ कमांड वहां पे यूज होता है जहां पे हमें एक ही प्रॉपर्टी, एक ही ऑब्जेक्ट के कई सारे मेंबर इस्तेमाल करने होते हैं। बट यहां पे हम मेंबर थोड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, डॉट वैल्यू ही लग रहा है ना सारा, तो यहाँ पे लगाना सही बात नहीं है। ओके ठीक है। लेकिन अगर आपको और कोड को छोटा करने चाहते हैं, कोड को अगर छोटा करना चाहते हैं तो आप यहां कर सकते हैं dim r as a range और फिर यहां आप कर सकते हैं set r equal to, नहीं नहीं ये गलत होगा, ये भी गलत होगा क्योंकि हर बार अलग अलग एंड हो रहा है ना सर, ठीक है, ये मैनुअली करना पड़ेगा। ओके, इसमें मैं बात कर रहा हूं कि मेरा डेटा तो सेम सीट पे है, लेकिन अगर डेटा डिफरेंट फाइल में हुआ तो, मतलब कि एक ही फाइल में है, अगर मान लीजिए कि मेरा फॉर्म अलग है और डेटा अलग है तो क्या करेंगे? जैसे कि मैंने मूव एंड कॉपी कर दिया न्यू वर्क को, एक नई फाइल मैंने इसको सेव कर दिया
मान लीजिए यहां मैंने MF फाइल लेता हूं, MF के अंदर F डेटा के नाम से सेव कर देता हूं डेटा, और इसमें डॉट XLS मुझे इसमें चाहिए, समझे? मतलब कि अब जो है मैं जो मैको चाहता हूं उसमें मेरा जो डेटा से स्टोर होगा वो इसी फाइल के इसमें नहीं होगा, मैं चाहता हूं मेरा डेटा स्टोर हो इसमें डिफरेंट फाइल में बैकएंड में, और मुझे पता भी नहीं चले, जैसे कि यहां आपका दिख रहा होगा एफ डेटा नाम को, इसमें होगा डेटा हमारा इसमें, समझे? तो क्या करना होगा, तो इसमें जो कोड हमारा है मैं इसको इसी कोड को कॉपी कर लेता हूं, यहां पे सेंड फाइल कर देता हूं, ओके। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सबसे पहले तो कोड देना होगा कि भाई इस फाइल को ओपन करो, आईडी कैलकुलेट करने से पहले यहां होगा वर बुक्स, सबसे पहले तो मैं यहां एक एक लेता हूं, दोनों फाइल सेव होना चाहिए, जो फाइल हमारा है बुक वन इसको भी सेव कर देता हूं क्योंकि इसका भी रेफरेंस चाहिए होगा ना सर, इसका नाम मैं फॉर्म कर देता हूं और इसको मैं डॉक्यूमेंट इस सेव फाइल में सेव कर देता हूं, फॉर्म डॉट एक्सएलएस है क्योंकि इसमें मैक्रो है इसलिए इसमें मैक्रो एनेबल फाइल रखना होगा। तो सबसे पहले तो मैं करता हूं डिम और यहां करता हूं F इक्वल टू एक्टिव वर्कबुक डॉट नेम, हमने इसका नेम ले लिया, ठीक है सर। उसके बाद यहां लिखते हैं वर्कबुक्स डॉट ओपन, और कहां से ओपन करना है इसका पूरा पाथ यहां पे F डेटा डॉट XLS X, राइट सर। और यहां हमें जहां जहां सीट का रेफरेंस है वहां वहां मुझे वर्कबुक का भी रेफरेंस देना पड़ेगा, वर्कबुक्स और कौन सा बुक, तो हमने बोला डेटा यहां भी डॉट लगेगा और यहां भी एक्सटेंशन में भी डॉट देना पड़ेगा डॉट XLS X, समझे? और जहां जहां हमें दिया हुआ है उस सब जगह हमें इसका देना, अब यहां हमने सीट फॉर्म किया हुआ है तो यहां भी हमें, अब देखिए एफ पे हमें सेव कर रखे ना फाइल नेम, यहां हम कर देते हैं सिंपल एफ, समझे? दोनों तरफ फाइल नेम होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सेव, यहां सेव करने से पहले यहां हम करेंगे वर्क बुक्स और इसमें हम डालेंगे एफ डेटा F data dot XLS X dot save और फिर इसको हम क्लोज कर देंगे dot close and close, और क्लियर कंटेंट किसका हो रहा है यहां भी आपको देना होगा कि आखिर आपको क्लियर किसको करना है, हमने बोला क्लियर इसको करना है। अब देखिए मैं सेंड फाइल, अब यहां पे हम एक और बटन बनाते हैं
सेम फाइल वाला मैं यहां पे करता हूं होम सिटी में दिल्ली यहां पे देखिए जैसे हम सेव किया सेव करते ही फाइल ओपन हुआ डेटा है सेव एंड ओपन एक डिबग आ गया यहां एक साथ इस तरह से नहीं यूज कर सकता यहां दिख रहा है आपको सर प्रॉब्लम क्या हुई कि डेटा क्लियर जो है नहीं कर पाया क्योंकि जब फाइल का रेंज लग जाता है तो एक साल मल्टीपल सिलेक्शन वाला पाथ वर्क नहीं करता तो हमें क्या करना होगा बताता तो क्या बोले आप अगर फाइल का क्या लग जाता है फाइल पाथ के साथ मल्टीपल सेल्स नहीं दे सकते हमने बोला ओके बट सिंगल सेल दे सकते हैं कंटिन्यू करते हैं नहीं क्लियर कंटेंट्स को डायरेक्ट नहीं कर सकते एक मिनट हमें इसको क्या करना पड़ेगा तोड़ना होगा क्या करना होगा डॉट एक्टिवेट अब आपका वर्क गया तो जो क्लियर कंटेंट क्या है एक कोई प्रॉपर्टी नहीं तो एक साथ डायरेक्ट जो है आप एड्रेस किसको दे सकते हैं प्रॉपर्टी को दे सकते हैं क्लियर कंटेंट आपका क्या है मेथड है तो आपको इसको वन बाय वन चलना पड़ेगा ठीक है सर ये समझ में आ गया आपको सर एक बार जस्ट आप पूरे कोड को एक्सप्लेन कर देंगे फ्रॉम द टॉप ऊपर वाले को या नीचे वाले को तो पूरा कोड सर कि जैसे आपने वेरिएबल लिया वो वर्कबुक का ठीक है सिंपल सी बात समझ जाइए हमें क्या पहले सी पर चेंज हमें क्या करना है कि हमें इस फॉर्म जो फॉर्म वाले जो फील्ड्स है इन फील्ड्स को डेटा यहाँ पे स्टोर करना है लेकिन सिर्फ डेटा नहीं मुझे इसके साथ एक ऑटोमेटेड आईडी भी क्रिएट करना है किस डेट को किस टाइम पे देना है ये भी ऐड करना है समझ गया तो सबसे पहले तो मुझे आईडी का चक्कर है कि आईडी ऑटोमेटेड क्रिएट होना चाहिए सिक्वेंसली 1 2 3 4 5 समझ गया ना नहीं सर ये कोड तो पता लग गया ऊपर वाला जो सेकंड वाला आपने बोला था ना कि मैंने वन शीट से आपने डेटा को इनपुट किया एंड सेव ऑन द सेकंड शीट वो वाला नीचे वाला कोड है या इसकी बात कर रहे हैं नीचे वाला हाँ, इसमें क्या हुआ कि सेकंड शीट में क्या हुआ कि सेकंड कोड में क्या है कि जब हम सेव करते हैं तो सेम शीट पे जाता है ना सेम फाइल के शीट पे जाता है मान लीजिए कि शीट अगर कहीं और पड़ा हो जैसे मान लीजिए ना कि आपने एक शेयर ड्राइव में जो आपका जो तीन ड्राइव है उस सबको एक्सेस है एक डेटाबेस को डाल दिया और फॉर्म को आपने 10 लोगों को भेज दिया आपने बोला सारे के सारे पर्सन आप इसमें डेटा को अपना जो इन्फॉर्मेशन है डाल के सबमिट कर दो तो सारा इन्फॉर्मेशन मेरे फाइल के एक के नीचे एक नीचे क्लोड ऑटोमेटिक क्लोड हो जाए तो उसके लिए क्या किया हमने सबसे पहले तो यहाँ पे पता कर लिया कि जो फाइल जिसमें कोडिंग उसका नाम क्या है छोटा करने का अन्यथा जरूरी नहीं क्योंकि हमें पता ही है इसका नाम फॉर्म है फॉर्म लिख सकते थे लंबा लाइन हो जाता है इसलिए हमने इसकी नेम को यहाँ पे स्टोर करा लिया एक स्ट्रिंग वेरिएबल में और सेम मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन यहाँ पे फाइल को ओपन किया जो डेटा फाइल है जिसमें हमें सेव करना है लोकेशन से अगर आपका शेयर ड्राइव में सेव है तो यहाँ अपना शेयर ड्राइव का लोकेशन डालेंगे क्योंकि जब तक फाइल ओपन नहीं होगी हम उसमें कुछ भी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते हमें कुछ भी करने के लिए फाइल को ओपन तो करना ही पड़ेगा राइट तो हमने डेटा फाइल को यहाँ ओपन करवाया अब ओपन करवाने के बाद हमने उसके डेटा सीट से एक मैक्सिमम को काउंट किया आईडी के लिए जैसे हमने यहाँ पे किया था सेम सीट में बट यहाँ क्या है कि सेम फाइल में था इसलिए हमने फाइल का लोकेशन नहीं दिया बट इसमें हमें अपने फाइल का नाम देना पड़ा कि वर्कबुक एट डेटा डॉट एक्सेल्स समझ गए
उसके बाद इस कोड में कोई अंतर नहीं है, बस अंतर ये है कि इसके आगे आपका फाइल का रेफरेंस नहीं है और इसके आगे आपके फाइल का रेफरेंस है, दोनों तरफ। समझ गए? ठीक है। फाइल ओपन है और यहाँ देखिए वर्कबुक एफ से लिया। एफ क्या है? हमने एक्टिव वर्कबुक जिस जो फॉर्म का है उसका हमने नाम स्टोर कर दिया था ना एफ पे। तो एफ फॉर्म से, एफ बुक से, फॉर्म सीट से B3 को उठा के हमारे फॉर्म एफ डेटा के डेटा शीट पे डाल देगा, एक के नीचे एक के नीचे। ये जो ऊपर का कोड है, इस कोड में बस इतना ही अंतर है कि इसमें दोनों तरफ सिर्फ सीट का नेम है, बस इसके दोनों तरफ फाइल सीट रेंज तीनों है। उसके बाद हमने डेटा डाल दिया तो हम उसको, इस फाइल को हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद काम खत्म है तो हमने उसको क्लोज कर दिया। ठीक है। तो यूजर को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, फाइल ओपन हुआ, 2-3 सेकंड में डेटा डाला और फिर क्लोज कर दिया। समझ गए? ठीक है। अब चाहते कि जो थोड़ा सा स्क्रीन हमारी हैंग हुई थी ना, थोड़ा सा वाइट वो भी ना हो, तो आप यहां एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग इक्वल टू फॉल्स कर दीजिए। तो ये बैकएंड में क्या हुआ, यूजर को थोड़ा भी आवाज नहीं हो। उसके बाद हमने क्या किया, मैसेज दिया और जो डेटा हमने फाइल थी उस फाइल को हमने स्टोर कर दिया। अब देखिए दोनों कोड में यही है क्योंकि ये विद इन फाइल वर्क हो रही है, इसलिए हमने कहीं भी फाइल का रेफरेंस नहीं दिया हुआ। अब ये हो रहा है फाइल टू फाइल हो रहा है, इसलिए हर जगह पे मुझे जहां जहां हमने रेंज यूज किया है, सीट यूज किया है, उसके साथ हमें फाइल का नाम भी देना पड़ रहा है। आ गया समझ? ठीक है। समझ जी, अभी आपने लिखा था एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग इक्वल्स टू फॉल्स, ये आपने टॉप पर हमें ये टॉप पर ही डिक्लेयर करना पड़ेगा और मैं इसको जहां डिक्लेयर करेंगे वहां से स्क्रीन अपडेटिंग आपकी रुक जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ओके ओके। तो हमें पूरा मैक्रो रखना है तो ऊपर भी लिख देना, या फिर मान लीजिए आधे मैक्रो से करना है तो जहां से करना है वहां से आप। ओके सर। लाइन बाय लाइन प्रोग्रामिंग चलता है ना। ठीक है। समझ गए? हां जी। इसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हो मैं बताता हूँ, मैंने इसका इस्तेमाल कहाँ किया था। बेसिकली क्या था कि मेरे ऑफिस में तकरीबन 1300 एम्प्लॉई थे, पूरे बिल्डिंग में 1300 एम्प्लॉई काम करते थे। ओके। तो मुझे उनसे क्या है कि इवनिंग में एक अपडेट लेना होता था, इवनिंग में एक वर्क अपडेट हमें सबसे लेना होता था। कोई ज्यादा नहीं, 8-10 फील्ड का एक फॉर्म था, वो फॉर्म भरवा के एवरीडे लेना था। उस एवरीडे उसको हमें अपने डेटा में स्टोर करना होता था, उससे हमारी परफॉर्मेंस रिपोर्ट और बहुत सारे ग्रोथ रिपोर्ट और बहुत सारी रिपोर्ट्स बनती थी। समझे? तो मुझसे पहले जो काम करता था वो क्या करता था कि वो 1300 फाइल को मंगवाता था, एक फोल्डर में रखता, सारे फाइल्स को डाउनलोड करता था, फोल्डर में रखता था और फिर वन बाई वन उसको कॉपी पेस्ट करता था। समझ गया? ठीक है। अब उससे प्रॉब्लम क्या थी, उसे मुझे काम दिया गया तो मैं तो जाहिर सी बात है मैं तो भाई हार्ड वर्किंग नहीं हूं, स्मार्ट वर्किंग हूं। हम बोलते हैं मेरा कंप्यूटर जब है तो कंप्यूटर काम करेगा, मैं को काम करूं क्या सर? मैंने बोला मैं तो गधे वाला काम नहीं करने वाला। तो मैंने क्या किया, हमने अपने टेक टीम से बात किया, हमने बोला कि एक ड्राइव बताइए जिसमें हर किसी का एक्सेस हो। समझिए? हर किसी का एक्सेस हो। तो उसने क्या किया, मुझे एक ड्राइव दे दिया, बोला इसमें हर किसी का एक्सेस है। और हमने उसको बोल दिया कि इसमें ऐसा कुछ कर दीजिए इसमें से कोई फाइल डिलीट ना कर सके, कोई भी पर्सन फाइल पे वर्क कर सके बट फाइल डिलीट ना कर सके। तो उसने सर्वर में जाके उसने रूल्स क्रिएट कर दिया कि डिलीशन का जो आया अथॉरिटी है सबको बता दिया। ठीक है। अब मैंने क्या किया, वहां पे अपना एक फाइल को डाला, डेटा डेटाबेस को डाला जिसे अभी मैंने सेव किया था ना, उस ऐसा डेटा।
और फिर एक फॉर्म जो फॉर्म का फॉर्म को डिजाइन किया उसमें इसी तरह कोड कर दिया कि फॉर्म ओपन होगा और फॉर्म ओपन होने के बाद एक के नीचे डेटा डाल के फाइल को सेव कर देगा और देखिए हर एक एंट्री में एक सेकेंड का वर्क लगेगा और उसके बाद हमने टाइम डाल दिया कि इस टाइम पे जो आपको कोड बताया था ना उसके माध्यम से कि वो डेटा को कॉपी करके मेरे सिस्टम पे रख दे क्योंकि मैं लेना नहीं चाहता था कि वो वहां से डिलीट हो मालिश डिलीट हो गया तो हमने अपेंड क्वेरी चलाया हुआ था अपेंड क्वेरी से डेटा क्या कर रहा है उसको आगे एक नीचे पेस्ट कर देता था मेरे डेटा में डेली बेसिस में मास्टर डेटा 1300 रो डेली क्रिएट होती थी और कॉपी करके पेस्ट कर देता इसमें मेरा काम बिल्कुल खत्म था कुछ काम नहीं था 1300 फाइलें हमें नहीं चाहिए 1300 मेल्स मुझे नहीं चाहिए डेटा कॉपी पेस्ट नहीं करना है ऑटोमेटिकली हो जाता समझ गए सर गैरी जी की नहीं हाँ जी सर बट जो जो 1300 एम्प्लॉई आप बोल रहे थे कि वो डेटा अपडेट कर रहे थे मे बी वो एक्सेस ऑन द शेयर टाइप कर रहे थे ना ये आपकी फाइल नहीं शेयर करने की क्या जरूरत है और एडिंग्स के थ्रू कर रहे थे आपने नहीं 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 शेयर करने की जरूरत ही नहीं है एट ए टाइम एक बार में दो बंदा डेटा डाल ही नहीं रहा है ना अच्छा ए वन बाय वन एक टाइम पे एक क्योंकि फॉर्म जो है वो सबको दिया हुआ है हमने जो फॉर्म वाली फाइल है वो सबको दिया हुआ है जैसे सेव फाइल पे क्लिक कर रहा है वो फाइल को ओपन कर रहा है एक सेकंड के लिए फाइल को ओपन करता है डेटा को डालता है क्लोज कर देता है ठीक है ओके तो उसको पता भी नहीं चल रहा है यूजर को कि कौन सी फाइल में डेटा गया ओके ठीक है कौन सी फाइल में डेटा गया उसको पता भी नहीं चल रहा है और ये फाइल प्रोटेक्टेड है ऐसे कोई ओपन भी नहीं कर सकता इसमें पासवर्ड भी हो सकता है ओपन करते समय हमने इसमें पासवर्ड भी डाला हुआ है कि पासवर्ड के बगैर ओपन भी नहीं होगा समझ गए यहाँ जब हमने ओपन किया हुआ है ना तो इसमें हमारा पासवर्ड भी है यहाँ हमने पासवर्ड भी दिया हुआ है भाई पासवर्ड ठीक है इसमें दिक्कत होती है कब दिक्कत होती है पता है आपको सर जब एक ही टाइम में दो बंदों ने एक ही साथ सेव पे क्लिक कर बहुत रेयर होगा टाइम नहीं okay. जैसे कि एक ही बार में आपने और हमने एक ही बार में क्लिक कर दिया तो उसी समय एक ही बार में मेरा फाइल ओपन हुआ और आपका भी फाइल ओपन हुआ तो मेरा पहले हुआ तो रीड ओनली में हुआ और आपका क्या हो गया मेरा ओपन हुआ राइट मोड में आपका रीड मोड में तब आपका कोड एरर देगा क्योंकि वो सेव नहीं कर पाएगा यहाँ ठीक है तो फिर वो दोबारा फॉर्म भर देगा और इसमें एक चीज और भी थी यहाँ पे हमने आगे चल के भी डाला हुआ था मेल कंफर्मेशन भी था कि अगर आपके फॉर्म फिल हो रहा है तो आपको मेल पे कंफर्मेशन आएगा तो मेल पे कंफर्मेशन आया मतलब कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली फिल हो गया नहीं कंफर्मेशन आया तो दोबारा फॉर्म फिल कीजिए ओके समझे तो हम इस पे एरर भी एरर मैसेज भी मैसेज बॉक्स के थ्रू लगा सकते थे ना कि अगर सेकंड बंदे की रीड ओनली फाइल जिसकी खुली है एंड ही वो बंदा सेव तो आगे हम जैसे आगे की क्लासेस में हम बताएंगे आपको कि एट्रीब्यूट नाम का एक फंक्शन होता है वो बताता है कि फाइल का लोकेशन मतलब ये क्या है पोजीशन क्या है रीड ओनली है या राइट मोड में ओके तो वहां पे हम ये कर देते हैं जब तक इसका रीड ओनली मोड चेंज ना होता है तब तक वो वेट कर ले लूप लगाते हो आगे क्लास में करेंगे लेकिन ये पॉसिबिलिटी बहुत ही रेयर है मुझे तो नहीं पड़ी ऐसी पॉसिबिलिटी ओके बहुत ही रेयर पॉसिबिलिटी है और इसी पॉसिबिलिटी को दूर करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि आप एक्सेल फाइल में डालने के बजाय डेटा को एक्सेस में डाल सकते हैं फॉर्म एक्सेल का रहेगा लेकिन सेव होगा एक्सेस के अंदर एक्सेस में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि रीड ओनली का सिस्टम हो ओके ये आगे क्लास में समझाएंगे ठीक है फिलहाल पॉसिबिलिटी जो है मैंने बताया कि ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है जब आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर्स हो जैसे मान लीजिए 10,000, 20,000 लाख 2 लाख लोग अगर इसको यूज कर रहे हैं तो ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है लेकिन एक ऑफिस में ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम बनती है
अगर ऐसे बनती भी है तो रीड ओनली ओपन होगा तो आपका डेटा सेव नहीं होगा, ओरिजिनल फाइल आपकी कोई चेंज नहीं होगी। ठीक है, इसको ट्राई कीजिए। कल हम बात करेंगे कंडीशंस पे और कल हम एक आर्टिकल देंगे आपको पढ़ने के लिए जो आपको पढ़ना होगा कंडीशन के आर्टिकल। सर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम थी